To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. You will be spending less than 10 minutes each day. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आप देख रहे हैं एक स्क्वायर फिगर, छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं। रो में 8 स्क्वायर हैं, कॉलम में 8 स्क्वायर हैं। नेचुरली आप 64 स्क्वायर्स देख रहे हैं। 8x8 स्क्वायर का एक बोर्ड है, आप उसे चेस बोर्ड भी कह सकते हैं। करना क्या है, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स आप देख रहे हैं उसको काउंट करना है। और काउंट करने के लिए क्या करना है, 8 भाग में काउंट करना है। पहला भाग जिन रेक्टेंगल्स की एक साइड एक छोटे स्क्वायर के साइड के बराबर हो, दूसरा भाग ऐसे रेक्टेंगल्स जिसकी एक साइड दो स्क्वायर के साइड के बराबर हो, तीसरा भाग रेक्टेंगल्स जिसकी एक साइड तीन छोटे स्क्वायर्स की साइड के बराबर हो, चौथा भाग ऐसे रेक्टेंगल्स जिसकी एक साइड 4 छोटे स्क्वायर्स के बराबर हो, पांचवा भाग ऐसे रेक्टेंगल्स जिसकी एक साइड 5 छोटे स्क्वायर्स के बराबर हो, छठा भाग ऐसे रेक्टेंगल्स जिसकी एक साइड 6 छोटे स्क्वायर्स के बराबर हो, सातवां भाग ऐसे रेक्टेंगल्स जिसकी एक साइड 7 छोटे स्क्वायर्स के बराबर हो, और फाइनली ऐसे रेक्टेंगल्स आठवें भाग में जिसकी एक साइड 8 छोटे स्क्वायर्स के बराबर हो। और गिनती इस तरह से करनी है कि 8 भाग में जो रेक्टेंगल्स की संख्याएं हमें मिली उनको जोड़ें तो हमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मिले, डुप्लीकेशन नहीं हो। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो रोकें और अपने से सॉल्व करें, आंसर बाद में देखें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी पजल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपको याद नहीं हो तो मैं रिमाइंड कर दूं कि हमने एक सिस्टम स्टडी की थी ब्रैकेट का यूज करके, और काउंटिंग की एक सिस्टम बनाई थी। यदि वह सिस्टम आप भूल गए तो फिर से शुरुआत के वीडियो देखिए। यदि ट्रायल एंड एरर में जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो अब देखते हैं लॉजिकल सॉल्यूशन। फिगर सिमेट्रिकल है इसलिए हॉरिजॉन्टल स्क्वायर एंड वर्टिकल स्क्वायर्स की संख्या बराबर होंगी। यहां पर मैं बता दूं कि ये फिगर सिमेट्रिकल है इसलिए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स और वर्टिकल रेक्टेंगल्स की संख्या बराबर होंगी। क्या करेंगे, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स को काउंट करेंगे, ऐड करेंगे और फाइनली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर हम बेस डायमेंशन क्या लेते हैं, छोटे स्क्वायर की साइड m। ऑब्वियस है, m को आधार मान करके हम रेक्टेंगल्स की गिनती शुरू करते हैं। पहला भाग ऐसे रेक्टेंगल्स जिसकी एक साइड m हो, m इंटू 2m 56, m इंटू 3m 48, m इंटू 4m 40, m इंटू 5m 32, m इंटू 6m 24, m इंटू 7m 16 एंड m इंटू 8m 8, सब टोटल 224। मैंने किस तरह से काउंटिंग की नहीं बोला, जैसे m इंटू 2m 8 इंटू 7 56। मैं रिपीट करूं, कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है, गिनती मुश्किल नहीं है, संख्या बड़ी आएगी लेकिन गिनती करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो चलते हैं अगले भाग पर। दूसरे भाग में रेक्टेंगल की एक साइड होनी चाहिए 2m, गिनती शुरू करें। यहां पर भी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर्स 2m इंटू 3m 42, 2m इंटू 4m 35, 2m इंटू 5m 28, 2m इंटू 6m 21, 2m इंटू 7m 14 एंड फाइनली 2m इंटू 8m 7, टोटल 147। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और उन रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करते हैं जिनकी एक साइड है 3m, 3m इंटू 4m 30, 3m इंटू 5m 24, 3m इंटू 6m 18,
3m into 7m, 12, and 3m into 8m, 6. Subtotal 90. आगे बढ़े, rectangles जिनकी एक साइड है 4m, 4m into 5m, 20, 4m into 6m, 15, 4m into 7m, 10, 4m into 8m, 5, total 50. आगे बढ़ते हैं और उन rectangles को गिनते हैं जिसकी एक साइड है 5m, 5m into 6m, 12, 5m into 7m, 8, 5m into 8m, 4, total 24. आगे बढ़े, उन rectangles को गिने जिनकी एक साइड है 6m, 6m into 7m, 6, 6m into 8m, 3, total 9. आगे बढ़े, उन rectangles को गिने जिनकी एक साइड है 7m, एक ही साइज होगी 7m into 8m, 2, total 2. उन rectangles को गिने जिसकी एक साइड है 8m, यहां पर नंबर होगा 0, क्योंकि ओवरऑल फिगर है 8m into 8m का. 8m into 8m का ओवरऑल फिगर है, इसलिए 8m into 8m का स्क्वायर मिलेगा, rectangle नहीं. टोटल कितने rectangles हुए? Horizontal rectangles 546, vertical rectangles 546, total 1092. मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो काउंटिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो काउंटिंग मुश्किल है, कंफ्यूजिंग भी है. इस तरह की पजल सॉल्व करने से आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी तो बढ़ेगी ही, साथ साथ विजुअल एबिलिटी का भी विकास होगा, लॉजिकल थिंकिंग का विकास तो होना ही है. इसी तरह विभिन्न कुशलताओं का विकास करते करते 501 पजल की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं. अगली पजल में अवश्य मिलेंगे. धन्यवाद. थैंक यू.